व्हाट्सअप गाइज, आज हम HTML और CSS की मदद से इंस्टाग्राम का लोगो क्रिएट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, आते हैं न्यू पर, और न्यू पे आने के बाद यहाँ पर दिया रहेगा फोल्डर। फोल्डर पर क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम देते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, इंस्टाग्राम। यहाँ पर देखिए क्या इंस्टाग्राम करके हमने इसको फोल्डर क्रिएट कर लिया है। फोल्डर के अंदर आते हैं। फोल्डर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ कोड पे क्लिक कर लेते हैं, जो हमारा VS कोड है। यहाँ से क्या हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, फोल्डर भी उसमें चालू हो जाएगा VS कोड के अंदर। तो हमारा फोल्डर भी यहाँ पे आ गया इंस्टाग्राम वाला। यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे फोल्डर इसके अंदर बनाना चाहे फोल्डर भी बना सकते हैं, लेकिन हम सीधे फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देंगे क्या index.html और इंटर कर देते हैं। तो इस फोल्डर के अंदर जो इंस्टाग्राम था उसके अंदर index.html के नाम से एक क्या बन गया है, फाइल बन चुकी है। इसको हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा कर इंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका बॉयलर प्लेट लग जाएगा HTML का। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम HTML लिखते हैं। इससे पहले हम एक div बनाएंगे, div.logo और इंटर कर देते हैं। इसके अंदर एक div और बनाना है, div.square इंटर करते हैं। इसके अंदर दो div और बनाने हैं, div.circle इंटर करते हैं। और इसी स्क्वायर के अंदर ही एक डी और बनाना है जिसका नाम रहेगा डॉट। ये काम कर लेना है। इतना HTML आपको लिखना है, बस 4 से 5 लाइनें हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारी फाइल है यहाँ पे हम जो टाइटल इसमें हम लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम लिख देते हैं। इंस्टाग्राम लिख दिया हमने इसमें और कर दिया इसको क्या, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर कर दिया मिनिमाइज। जो फाइल हमारा यहाँ पर था इंस्टाग्राम वाला, इसके अंदर यहाँ पर इंडेक्स डॉट के नाम से हम index.html के नाम से बनाया हुआ था। इस पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है फिलहाल, इसके अंदर अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे टाइटल में इंस्टाग्राम हमने लिखा था तो वो दिखाई दे रहा है। तो विंडो राइट के साथ इसको हम राइट साइड में लगा लेते हैं। इस फाइल को विंडो राइट करेंगे, ये राइट साइड में लग जाएगा। जो हमारा कोड है विंडो के साथ लेफ्ट एरो करेंगे तो ये लेफ्ट में लग जाएगा। तो दोनों साइड बाई साइड हमने खोल दिया हुआ है। अब इधर हम लेफ्ट साइड में अपना कोड लिखेंगे, राइट साइड में हमारा आउटपुट दिखता रहेगा। हेड टैग के अंदर आते हैं और यहाँ लिखते हैं स्टाइल टैग कर इंटर कर देंगे। अब जो भी चीज़ें लिखनी है हमको इसी में लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी टैग को टारगेट करते हैं। बॉडी टैग को टारगेट कर दिया हमने और इसमें लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से करेंगे क्या 50%। टॉप से 50% और आते हैं लेफ्ट से करेंगे क्या 50%। और एक लास्ट है ट्रांसलेट -50% -50%। ये हमने बॉडी में क्या लिखा हुआ है, बॉडी हमने लिखा है पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, -50%। ये लिखने की वजह क्या है, अगर हम इसको लिखते हैं तो जो HTML का हमारा आउटपुट दिखने वाला है, जो हमारा वेब पेज का आउटपुट दिखने वाला है, वो पेज के बीचों बीच दिखाई देगा, एकदम सेंटर में दिखाई देगा। इसलिए हमने बॉडी में लिखा हुआ है। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो लिखेंगे, तो अगर आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो आप नहीं लिख सकते हैं इसको। फिलहाल हमको सेंटर में चाहिए था, हमने इसको लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या डॉट लोगो। लोगो को टारगेट करेंगे, लोगो क्लास को, और इसमें लिखेंगे क्या लिखना है, हाइट है 200 पिक्सल्स, विथ भी है 200 पिक्सल्स, ठीक है। इसमें देंगे हम लोग क्या बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड रहेगा लीनियर ग्रेडियंट। इसके अंदर तीन कलर रहेंगे, तीन कलर हम डाल देते हैं। इसका एक कोड है F04636 और स्पेस करके आप लेंगे क्या 30%, ठीक है। कॉमा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या E42B81 और 60%, कॉमा
एक लास्ट है, हैज़ क्या है, 4F ग्राउंड कलर लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस रहेगा 25%। यहाँ पे सेव करके यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे एक हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा इस तरीके से, और ये बीचों बीच एकदम लग चुका है। अब क्या करते हैं, अब आते हैं हम लोग क्या डॉट स्क्वायर को टारगेट करते हैं। डॉट स्क्वायर को क्या करते हैं यहाँ पर टारगेट करते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा हाइट दे देते हैं यहाँ पर 120 पिक्सल्स का। उसके बाद रहेगा विथ भी 120 पिक्सल्स का। उसका रहेगा बॉर्डर रहेगा यहाँ पर, सॉरी बॉर्डर रेडियस रहेगा 25 पिक्सल का। और लिखेंगे यहाँ पे क्या बॉर्डर रहेगा यहाँ पर 15 पिक्सल्स सॉलिड वाइट कलर। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया और करते हैं यहाँ पे क्या रिफ्रेश। देख रहे हैं कि यहाँ पे ये तो आ गया है बॉर्डर, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो सेंटर में करने के लिए पहले हम लोगो पे आते हैं, यहाँ पे डालेंगे क्या फ्लेक्स, और जो स्क्वायर है इसके अंदर भी क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग क्या फ्लेक्स कर देंगे। फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे फ्लेक्स को टैग करते हैं, टारगेट करते हैं फ्लेक्स को, और इसमें लिखते हैं क्या डिस्प्ले फ्लेक्स। फिर यहाँ देंगे क्या जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर अलाइन आइटम क्या रहेगा यहाँ पे क्या सेंटर। कंट्रोल स्क्रीन सेव करके यहाँ पे करते हैं क्या रिफ्रेश। तो ये बीचों बीच आ जाएगा, ये आपको काम कर लेना है HTML टैग के अंदर। आगे बढ़ते हम लोग, आगे हैं इसी के अंदर पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं। आगे बढ़ते हम और अब टैग करते हैं हम लोग क्या सर्कल को टैग करते हैं। इसके अंदर एक सर्कल डालना है, हाइट हो जाएगी यहाँ पर 50 पिक्सल्स की, विथ हो जाएगी वही 50 पिक्सल्स की। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉर्डर रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 15% का, और हो जाएगा आप क्या बॉर्डर हो जाएगा यहाँ पर 15 पिक्सल सॉलिड क्या रहेगा यहाँ पर वाइट। ये काम कर लेना है, वीट नहीं क्या रहेगा यहाँ पर वाइट। कंट्रोल एस करके करते हैं यहाँ पे सेव। तो इस तरीके से इसके अंदर एक सर्कल भी आ जाएगा। बस आखिरी चीज़ को टैग करते हैं, जैसे डॉट हो गया, डॉट को हम यहाँ पे इसको करते हैं ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या हाइट लिखते हैं 20 पिक्सल्स का, और यहाँ लिखेंगे क्या विथ 20 पिक्सल्स का हो गया है। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर हो जाएगा यहाँ पे वाइट। उसके बाद है बॉर्डर रेडियस 15% उसके बाद रहेगा यहाँ पर पोजीशन रहेगा एब्सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पे टॉप 10% 10 पिक्सल उसके बाद रहेगा यहाँ पर क्या राइट क्या रहेगा यहाँ पर राइट 10 पिक्सल्स। यहाँ पे करते हैं सेव, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका डॉट आ जाएगा। तो ये हमने इंस्टाग्राम का लोगो क्रिएट कर लिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे ये HTML है, और यहाँ पे क्या है ये आपका CSS है, ये आपका CSS सारे कोड है, आप उसको देख सकते हैं। और ये आपका क्या इंस्टाग्राम है, इसको हम फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम का लोगो दिखाई दे रहा है। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।